मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपथे। जो मन और वायु के समान तीव्र है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं और जो तीक्ष्ण बुद्धि, विद्या और ज्ञान के लिए विख्यात है, जो वायुदेव के पुत्र हैं और वानरों में प्रमुख हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र के दूत हनुमान जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्णा। बुद्धि, बल, भक्ति और कीर्ति के स्वामी यानी हनुमान जी, क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये शक्तियाँ उन्हें कैसे प्राप्त हुई? क्यों उनकी ख्याति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हनुमान जी के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? तो चलिए, हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर आज हम इससे जुड़ी एक रोचक कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, तो ज़्यादा सोचिए मत और जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे और वैदिक साहित्य की बहुमूल्य शिक्षा पूर्ण कथाएं आपके हाथों से छूट जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त थे और वे दास्य भाव में उनके प्रभु की सेवा करते हैं। हमारे पिछले वीडियो श्री राम के अंतिम संदेश में आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने इस धरातल को छोड़ने से पूर्व हनुमान जी को आखिरी आदेश दिया था, और उसी के परिणाम स्वरूप आज भी इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हनुमान जी के गुणों का वर्णन सुनाती है हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हनुमान जी की शक्ति की बात आती है तो उनके विषय में ये कहा जाता है कि जब 10,000 हाथियों को एकत्रित करके उन्हें एक तरफ रखा जाए तो उन सब की शक्ति मिलकर एक दिग्गज हाथी की शक्ति बनती है। दिग्गज हाथी यानी जो दशों दिशाओं में विजय प्राप्त कर सकता है। जब ऐसे 10,000 दिग्गज हाथी एक साथ मिलते हैं तो उनकी कुल शक्ति मिलाकर एक ऐरावत हाथी बनता है, और आप सब जानते ही हैं कि ऐरावत यानी देवराज इंद्र का हाथी। और जब ऐसे 10,000 ऐरावत हाथी की शक्ति एकत्रित की जाए तो उतनी शक्ति एक अकेले देवराज इंद्र के अंदर में है, और जब ऐसे 10,000 इंद्र देव को एकत्रित किया जाए तो जो शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति अकेले हनुमान जी के अंदर है, और ये हनुमान जी की शक्ति का सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में उनके अंदर कितना बल होगा। लेकिन ये बल आया कहाँ से? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए चलिए मैं आपको हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाती हूँ, जो शायद ही आपने सुनी होगी। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी की माता अंजना का अभी विवाह नहीं हुआ था, और उस समय वो तपस्या कर रहे थे। अपने आराध्य देव शिव की तपस्या करने के लिए देवी अंजना एक घने जंगल में चली गई, जहाँ एक गुफा के अंदर जाकर अनेक वर्षों तक वे भगवान शिव के ऊपर ध्यान केंद्रित करके तपस्या में लीन थी। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे गुफा के प्रवेश द्वार पर कोई है जो अंदर आने वाले प्रकाश को रोककर खड़ा है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ एक दैत्य खड़ा था जो कि काम वासना से भरी नजरों से देवी अंजना को देख रहा था। ये देखकर माता अंजना बिजली की गति से उठ खड़ी हुई
और वायु की गति से उस स्थान से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागी और पलक झपकते ही उन्होंने उस दैत्य को धक्का मारा और गुफा से बाहर चली गई। जब तक वह दैत्य कुछ सोचे समझे उससे पहले ही देवी अंजना वहां से निकल चुकी थी। अब ये देखकर उस दैत्य को क्रोध आया और वो भी देवी अंजना के पीछे भागने लगा। वायु की गति से तेज दौड़ते हुए देवी अंजना एक गांव में पहुंची जो कि वास्तव में ऋषि मुनियों का गांव था और वहां अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवी अंजना को इस स्थिति में देखकर वहां के ऋषि उसी क्षण समझ गए कि वे उनकी शरण में आई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे आते हुए उस दैत्य को देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने देवी अंजना से कहा, हे पुत्री, वास्तव में इस दैत्य का नाम शंभ साधना है और ये इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। वास्तव में अगर कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वो है वानर राज केसरी। ये सुनकर देवी अंजना सोचने लगी कि अब ये वानर राज केसरी कहाँ मिलेंगे, और उतनी देर में तो वो दैत्य शंभ साधना उस स्थान तक पहुँच चुका था। उसने ऋषियों के आश्रम को ध्वंस करना प्रारंभ कर दिया था और बस देवी अंजना पर प्रहार करने ही वाला था कि उसी क्षण दैव इच्छा से वानर राज केसरी वहां आ गए। उन्होंने शंभ साधना को युद्ध के लिए चुनौती दी और फिर दोनों महाबलशाली के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। शंभ साधना ने एक विशालकाय हाथी का रूप ले लिया और वानर राज केसरी ने अपना स्वरूप छोटा बना दिया और उस हाथी के सिर पर जाकर प्रहार करने लगे। उन्होंने अपने बल का पूर्ण प्रयोग कर लिया लेकिन उस दैत्य का बाल भी बांका नहीं हो रहा था। जब देवी अंजना ने ये देखा कि इतना प्रयास करने के बाद भी इस दैत्य को कोई हानि नहीं पहुंच रही है तो फिर उन्हें समझ आया कि जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रयास से नहीं होता, उसके लिए प्रार्थना भी करनी उतनी ही आवश्यक होती है। तो बस ये सोचकर उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अपने आराध्य देव शिव जी को पुकारा, उन पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसी ध्यान अवस्था में उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, रक्त। और इस शब्द को सुनकर देवी अंजना तुरंत समझ गई और वो सीधी उस स्थान पर पहुंची जहां केसरी और शंभ साधना के बीच युद्ध हो रहा था। वहां एक गड्ढे में शंभ साधना का खून गिरा हुआ था। देवी संजना ने एक तीर उठाया, उसे उस खून में डुबोया और उस खून से लथपथ तीर और धनुष को वानर राज केसरी की ओर फेंका। वानर राज केसरी भी अत्यंत बुद्धिमान थे, वे तुरंत समझ गए कि देवी अंजना उन्हें क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उसी समय शंभ साधना की ओर तीर चलाया और उस दैत्य का विनाश हो गया। सभी ऋषिगण वानर राज केसरी की जय जयकार करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे और अंत में सभी ऋषियों ने वानर राज केसरी और देवी अंजना को ये सुझाव दिया कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। इस समय तक वानर राज केसरी और देवी अंजना भी एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। उन्होंने ऋषियों के इस सुझाव को ईश्वरीय संकेत के रूप में स्वीकार किया और विवाह संस्कार से बंध गए। उनके विवाह के अवसर पर ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो संपूर्ण विश्व में सबसे महान होगा, जिसकी कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैलेगी और जो अत्यंत बलशाली होगा। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी तपस्या उसकी वाणी, उसके विचार और उसके आशीर्वाद में झलकती है। फिर वह व्यक्ति जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। और क्योंकि ये ऋषि साधारण नहीं थे, तपस्वी थे, इसलिए उनके वचन भी सिर्फ शब्द नहीं थे अपितु वास्तविकता में परिवर्तित हुए। और फिर जन्म हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महाबलशाली हनुमान जी का। आज पूरे भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानता, चाहे वो बड़े हो या बच्चे, शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त, स्त्री हो या पुरुष। भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें से सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। भारत के आप किसी भी गांव या शहर में चले जाइए, वहां आपको हनुमान जी कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएंगे। किसी गांव में शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में घंट बजाने की सेवा बच्चे और बड़े दोनों खुशी खुशी करते हैं। किसी शहर के चौराहे पर ऑफिस से आते वक्त हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने हर कोई जाता है। परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो या फिर प्यार में धोखा मिला हो, हनुमान जी सबसे पहले याद आते हैं। और फिर किसी ने कोई काला जादू किया हो या तांत्रिक विधि की हो या फिर किसी चीज का डर सता रहा हो, तब तो सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमंत वीरा। और ये बात भारत में बच्चा बच्चा भी जानता है। ऐसे हनुमान जी ना सिर्फ अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली और पराक्रमी हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र की अटूट श्रद्धा और भक्ति भी है। हर प्रकार की विद्या, गुण, यश, कीर्ति, बल और बुद्धि के सागर होने के बाद भी वे अत्यंत विनम्र होकर प्रभु श्री राम के दास रूप में उनकी नित्य सेवा करते हैं। हनुमान जी के गुणों का वर्णन अनंत है, जिसे हम अपनी मर्यादित बुद्धि से इतने कम समय में कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। अगर हनुमान जी की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान एक बार अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर वैदिक शास्त्रों की महिमा को प्रसारित करने में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए ऐसे परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्म जयंती पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें और हम उनके दासों के दास के रूप में नित्य उनकी सेवा में संलग्न रह सकें। हरे कृष्णा।